नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। किसान ही वो इंसान है जो सूरज की तेज गर्मी, बारिश या तेज ठंड की परवाह किए बिना ही वो अपने खेतों पर फसलों को अपनी मेहनत से उगाने का काम करते हैं। अपने परिश्रम से वो कई किस्म के अन्न, फल, सब्जियों को खेतों में उगाते हैं। सोचिए, अगर किसान ना हो तो कैसे हम जिंदा रह पाएंगे। वहीं जो किसान साल भर हमें अन्न की कमी नहीं पड़ने देता, वो अपने खेती को कैसे उन्नत करे, कैसे उसे बेहतर करे, ये एक चिंता का विषय है। इसी बात को लेकर धानुका ग्रुप के चेयरमैन लगातार एक दृढ़ निश्चय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जल और किसान देश की उन्नति में कितने जरूरी है, इस बात के लिए उनका गुजरा कल, आज और भविष्य सभी समर्पित है। भारत में दुनिया की केवल 2.4% जमीन और 4% पानी है, यानी भारत के पास जमीन कम है, पानी ज्यादा। बावजूद इसके हमारे यहाँ संकट जमीन का नहीं है, बल्कि अहम समस्या पानी की है। आप समझ सकते हैं, जो चीज हमारे पास ज्यादा है, कमी भी उसी की है। ये सोचना जरूरी है, आखिर ऐसा क्यों? वजह जानने पर समझ आता है कि हमारे यहाँ सिंचाई परियोजनाओं में संसाधनों की बर्बादी, फसल बोने का पैटर्न और फसल उगाने की गलत टेक्निक और बिना मौसम की सब्जियां उगाने से ऐसा होता है। इस स्थिति पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में धानुका ग्रुप ने एक दशक से ज्यादा समय से जल संरक्षण का समर्थन किया है। ग्रुप ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में नाम का हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसका अहम मोटो एग्रीकल्चर और रोज की लाइफ में पानी का सही से इस्तेमाल को लेकर लोगों को शिक्षित करना है। धानुका ग्रुप के मकसद में सबसे पहले किसान हैं और धानुका ग्रुप के चेयरमैन आरजी अग्रवाल लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि पानी सबसे जरूरी है। हर तरह से इसका उपयोग बेहतर तरह से, क्योंकि जल है तो कल है। वाटर फॉर पीस। आज हम देख रहे हैं कि विश्व में चारों तरफ लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन वाटर एक ऐसी चीज है जिससे शांति हो सकती है। हमारे शरीर में भी गर्मी हो तो पानी मिल जाए तो शांति हो जाती है। तो आज विश्व में शांति के लिए, आज कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पेट्रोल के लिए ना होकर पानी के लिए होगा। पानी की हिस्ट्री में हम जाएं तो 400-500 साल पहले भी उस समय के जो कवि हुए हैं, उस समय के कवि कवि रहीम ने लिखा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गैब न उबरे, माटी मानस शून। आप सब इसका मतलब समझते हैं। अगर हम अपने पुराने वेदों की तरफ जाएं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, तो यजुर्वेद में पानी के महत्ता को बताते हुए लिखा है, ओम सन्नो देवी रविश्रेह आयो भवंतु सन्या रविस्त्रतु। मतलब संस्कृत में आपको जल कहा गया है, और जल से ही मानव, वनस्पति, पशु पक्षी, सारा जीवन जल के ऊपर है। तो हम सभी वरुण, आज कोई भी हमारे यहाँ पूजा होती है तो सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं, जो वरुण देवता, जल की हम पूजा करते हैं। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि जल देवता हमारे ऊपर, सबके ऊपर कृपा करें। और इसी कृपा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो लिखा, अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्या धन संभव है, अज्ञात भवन्ति परजन्यो यत् कर्म समुद्भव है। मतलब भगवान ने गीता में अपने मुख से कहा है जल के बारे में कि भाई हम सब प्राणी जल के ऊपर निर्भर हैं, और मतलब अन्न के ऊपर निर्भर हैं, और अन्न वर्षा से होता है। किसानों को महज अन्नदाता कहना वाजिब नहीं होगा, इसलिए धानुका ग्रुप की ये कोशिश होती है कि किसान स्वावलंबी बने, उनकी फसल बेहतर तरह से उगे, सभी मिलकर पानी को बचाएं और बेहतर कल बनाएं।
यही तो धानुका ग्रुप का ध्येय है, यही मकसद है। तो मैं आज आखिर में आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा, यूएनओ किसी भी सभ्य को सोचती है कि ये भविष्य में इससे समस्या हो सकती है तो उसका एक दिवस नियत करते हैं और पूरे विश्व में वो दिवस मनाया जाता है। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, तो हम खाली यहाँ जल दिवस मना के भूल ना जाएं। हम सब लोग अपने अपने चाहे आस पड़ोस में हम लोगों को जागृत करें, किसानों को जागृत करें, सरकार से बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम ड्रिप इरीगेशन की तरफ लाएंगे, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। आज बंगलोर के बारे में हम देख रहे हैं, केप टाउन के बारे में देख रहे हैं, विश्व के बहुत से देशों में, और हमारे अभी लाटू ट्रेन से पानी गया, आज बहुत सी जगह पीने का पानी नहीं है। अभी तो गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, अगर गर्मी की शुरुआत होगी, और इस साल फोरकास्ट है कि अभी टेम्परेचर जो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पानी की महत्ता इतनी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। तो हम सब लोग आप से निवेदन करते हैं कि हम सभी पानी को बचाने के ऊपर काम करेंगे। भारत कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में एक टन फसल पैदा करने के लिए 2 से 3 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है, खेती का रकबा बढ़ा है, लेकिन ज्यादातर रबी फसलों के लिए जब ज्यादा बारिश नहीं होती है तो इसे बदलने की जरूरत है और राज्य सरकारों को विशेष रूप से स्थानीय पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। पानी की समान मात्रा का उपयोग करके सिंचाई के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कम निवेश के गहन तरीकों पर जोर देते हुए इस देश के थिंक टैंक क्या कहते हैं, यह भी समझना जरूरी है। धानुका की कोशिशों की देश के सभी जिम्मेदार भी सराहना करते हैं। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद 2015 से पहले देश के सिंचाई बुनियादी ढांचे की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि 1995 और 2015 के बीच सिंचाई परियोजनाओं मध्यम और प्रमुख पर अरबों रुपए का निवेश किया गया था, लेकिन सिंचाई के तहत क्षेत्र स्थिर रहा, इसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता थी और 2015 से केंद्र सरकार ने दृष्टिकोण बदल दिया। परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों से सिंचाई के तहत क्षेत्र में हर साल 1% की वृद्धि हुई है, जो अब 47% से बढ़कर 55% हो गया है। अब वाटर को हम बना नहीं सकते, लिखा है शास्त्रों में कि पानी जब सृष्टि बनी थी जितना था उतना ही आज है, ना एक बूंद कम हुई है ना एक बूंद ज्यादा हुई है, उसका केवल 25-30% जो है वो रेस्ट ऑफ दी मंथ्स में आती है। यदि पूरी रेन हर महीने बराबर से आती हो तो शायद हमें इरीगेट है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बार करेक्टरिस्टिक्स है हमारे इसका वाटर जो 4000 क्यूबिक किलोमीटर टोटल प्रेसिपिटेशन हमारा होता है उसका एक ये करेक्टरिस्टिक्स है। तो हम इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स से डील करने के लिए हमें जरूरत एप्रोप्रिएट डील करने के लिए हमें जरूरत एप्रोप्रिएटली एफिशिएंटली ना यूज करें तो रिसोर्स भी वेस्ट होते हैं और वाटर का मैनेजमेंट भी नहीं होता। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, थोड़ी दिन पहले सोर्सेज बिल्कुल नहीं बढ़ा, ये बहुत गंभीर स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं कि हजारों करोड़, इसी वजह से जब ये नई सरकार आई तो पूरे पब्लिक इरिगेशन को एक नया रूप देकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से कि हम एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को कैसे चेंज करें, आरआर रिहैबिलिटेशन जो मार्च 18 के बाद में एरिया अंडर इरिगेशन इन दी कंट्री
मीडियम एंड मेजर इरिगेशन और मिला के हर वर्ष 1% इंक्रीज हुआ और वो 47% से बढ़कर अब 55% पे 55% पे पहुंच गया है। जहां इतना पैसा लगता हो और उसका 20 साल तक कोई इंक्रीज ही ना हो उसने भी, और अब हम जितने भी मेजर ले रहे हैं चाहे वो 75,000 हमारे अमृत सरोवर हो, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जो है उसकी बात आई हो, तो ये सब जो है एक सप्लाई साइड ऑगमेशन का सरकार ने बीड़ा उठाया है और वो उठाना भी हो रहा है। वो एक और समस्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर के राइज का एडवर्स इफेक्ट, जो एडवर्स इफेक्ट राइज पर स्टेट गवर्नमेंट की नीतियों में ये कहीं झलक नहीं मिलती कि इंडिया वाटर स्केर्स्ट है या इंडिया में वाटर की शॉर्टेज। वही पानी को लेकर डॉक्टर आरसी अग्रवाल उप महानिदेशक कृषि शिक्षा ICAR ने कृषि क्षेत्र में पानी के सही उपयोग के बारे में किसानों और युवाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, हम एक पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं जो उन्हें कृषि क्षेत्र में पानी के उपयोग के बारे में जागरूक करेगा और समाधान प्रदान करेगा। उनका कहना है कि पानी की अहमियत उन्हें समझ आती है, जिनके पास उनकी कमी होती है या ना के बराबर होती है। इच्छा नहीं होगी कि हम पानी को वेस्ट करें या हम किसी भी बच्चे की, किसी बड़े की, किसी की भी, क्योंकि ये अगर आप देखें एग्रीकल्चर में देखें तो ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। आप फोटोसिंथेसिस देखें उसमें बिल्डिंग ब्लॉक कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को भी अगर हम इसको डिवाइड करें, आपको ब्लू वाटर मिलता है, आपको ग्रीन वाटर मिलता है, एक ग्रे वाटर का भी एक कंसेप्ट आया है, और इनमें अगर आप देखें ब्लू ग्रीन वाटर वो है जो आपके सॉइल मॉइस्चर के रूप में जो उपलब्ध है उसको हमें कंजप करना है। इसके लिए बहुत सारी चीजें जो हमारे ICAR ने बनाई हैं, जैसे आप मल्चिंग कर, एंड देन ग्रे वाटर इज योर जो वेस्ट वाटर हम लोग करते हैं उसको हमें कैसे यूज करना है। तो जब हम तीनों पानी, तीनों का हम जब एक किया है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे मेरे पास एक स्कीम जिसको मैं हेड करता हूँ अभी भी, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, और उसमें हम लोगों ने करीब 16 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए। एक सेंटर वाटर कंजर्वेशन के लिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए था, और एक पूरा गांव उन्होंने अडॉप्ट किया, पूरा गांव कन्वर्ट कर दिया उन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चर में। और जब वहां 5 महिला किसानों से मैं मिला तो उनकी खुशी देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि जैसे कि ये सब कुछ इनको जिंदगी में मिल गया। वो महिला अपने मोबाइल पर देखकर ये इतनी खुश थी कि मैं, मुझे पता है कि पानी ऑन हो गया, अब 80% मेरा पानी बच रहा है, क्रॉप को उतना ही पानी चाहिए जितना कि उसकी डिमांड है, सेंसर्स लगे हुए हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बहुत सारे और यंत्र लगाए। तो ये इस तरह के इंटरवेंशंस की हमें एक बहुत बड़े लेवल पर जरूरत है अगर हमें, क्योंकि जैसा सभी वक्ताओं ने बताया है उसका सिर्फ 1% हमारा फ्रेश वाटर हमारे पास उपलब्ध है, तो इसको हम वेस्ट न करें। इन्हीं सब चिंताओं को खत्म करने के लिए धानुका ग्रुप दिन रात अथक प्रयास कर रहा है। डॉक्टर पीके सिंह, एग्रीकल्चर कमिश्नर भारत सरकार, भी धानुका के मिशन को समझते हैं। उनका कहना है, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हम सतही जल के अधिकतम उपयोग के तरीके तलाश रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक नहर का पानी वर्तमान में 100 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित कर रहा है तो हम विभिन्न साधनों का उपयोग करके समान मात्रा में पानी का उपयोग करके इसे 150 हेक्टेयर तक कैसे ले जा सकते हैं। पता बन जाता है कि बहुत से डिजीजेस हैं, रस्ट है, वीट में और भी बीमारियां जो कि बढ़ने का चांस हो जाता है। 40 हेक्टेयर कर दें, 150 हेक्टेयर कर दें बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, तो उसके लिए फिर यही है कि पाइप इरिगेशन जो अभी खुली खेतों तक पहुंचा सकते हैं, और थोड़ा सा जो लॉसेस हैं हमारे, जो पता चला कि वो खुली कैनाल है गांव में, सभी जानते हैं उसी पे चूहे के बिल भी उसी पे बनते हैं, उसी पे और तमाम तरह के उससे बहता रहता है पानी, वो सारा जो नुकसान है उसको भी बचाया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर आप देखें कि
दूसरा है, अब जब सरफेस वाटर ज्यादा जरूरी है क्योंकि सबसे शुद्ध पानी सरफेस वाटर है, उससे ना तो सैलिनिटी बढ़ने का कोई खतरा होता है ना कोई ऐसी चीज नहीं आती है, जबकि ग्राउंड वाटर कई तरह का उसमें सॉल्ट्स होते हैं जो कि ऊपर आते रहते हैं। तो अगर सरफेस वाटर को बढ़ाना है तो हमें स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है। तो आप जैसे अभी बताया, बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है जितना फायदा कि हमें अपने गांव के जो ट्रेडिशनल स्टोरेज, जैसे बिहार में था चुवाड़ सिस्टम था, या कहीं पे छोटे पोखरे थे, तालाब थे, लेक थे, जो कुछ भी था, उन सबको डिजीज या ऐसे कुछ बढ़ने की संभावना कम होती है, वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम का पूरा जो भी इरिगेशन रिलेटेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसके साथ कन्वर्स कर दिया जाए, वो अलग चले ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल डाइल्यूट होता जाता है पैसा, तो वैसा ना हो, जहां कहीं भी हो सकता है वहां पे हो। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा स्कीम इस साल से शुरू की जा रही है, एग्रो फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस का। अगले 5 साल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 50,000 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का मेगा स्कीम शुरू हो जाए। दोपहर के बाद वाले सेशन में हम देख रहे थे कि उनका लेक्चर भी यहाँ पे रखा गया है, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी। ड्रोन अनुप्रयोग का एक उदाहरण देते हुए धानुका ग्रुप के चेयरमैन आरजी अग्रवाल कहते हैं, ड्रोन के माध्यम से 1 एकड़ भूमि पर कीटनाशक स्प्रे के लिए पारंपरिक विधि में 200 लीटर के मुकाबले लगभग 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीकों के सौजन्य से पानी की बचत बहुत बड़ी है। पंचायत स्तर पर मौसम स्टेशन स्थापित करने से भी पानी की आवश्यकताओं को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। इजराइल जैसे देश पहले ही आधुनिक सिंचाई प्रणाली सहित सटीक कृषि के लाभों का प्रदर्शन कर चुके हैं। एक देश के रूप में हमें भी बड़े पैमाने पर सटीक खेती को अपनाने की जरूरत है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल पानी की बचत होगी बल्कि किसानों की फसल की गुणवत्ता, उत्पादन और लाभप्रदता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस नारे को धानुका ग्रुप ने कैसे सफल किया ये भी जानना जरूरी है। कहते हैं जल है तो कल है, और जल के बिना कल क्या, हमारा आज भी नहीं है। इंसान की जिंदगी में जल कितना महत्वपूर्ण है ये बात समझने की जरूरत है। धानुका एग्रीटेक ग्रुप किसानों का सच्चा साथी है, जो अन्नदाताओं की उपज और आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। ये ग्रुप किसानों की समस्याओं और पीड़ा को बेहद करीब से समझता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने तब दिया था जब भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक तरफ पाकिस्तान का हमला और दूसरी तरफ देश में खाद्यान्न की समस्या, इस नारे से शास्त्री जी ने दोनों समस्याओं से निपटने की कोशिश की थी। एक तरफ सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों और दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेहनत कर रहे किसानों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को प्रमुखता से उजागर किया। लाल बहादुर शास्त्री के इन विचारों पर धानुका एग्रीटेक भी मजबूती से विश्वास रखता है। हर भारतीय की ओर से किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने की कोशिश करते हुए धानुका ने अगस्त 2022 में इंडिया का प्रणाम अभियान शुरुआत किया था। इस 1 साल में ये कैंपेन एक ऐसा अभियान बन गया जिसमें धानुका ने राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान को पहचानने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें देश भर में सम्मानित किया। कृषि पीढ़ियों से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, ये कुल आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देने के साथ ही ग्रामीण समुदायों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती है। किसानों का ये अथक प्रयास
वो नींव बनाता है जिस पर देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता टिकी हुई है। अच्छी उपज के लिए किसान एक ओर पीढ़ियों से चले आ रहे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय के साथ बदलती और बाजार में आती नई तकनीकों का भी भरपूर उपयोग करते हैं। डॉक्टर आरजी अग्रवाल खुद लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हम जितना पानी बचाएंगे हमारे किसानों के लिए वो पानी अमृत का काम करेगा, और इसीलिए वो पानी की महत्वता अलग अलग तरह से बताते हैं। सुबह से हम जल पे चर्चा कर रहे हैं और कुछ बोरियत सी हो जाती है, तो आज मैं फिल्मों से बात करूं कि हमारे देश में पानी के ऊपर कितनी फिल्में बनी हैं या पानी के ऊपर कितने गाने बने हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, या जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर की बहुत पुरानी फिल्म। मतलब पानी पे आप देखेंगे तो सैकड़ों गाने और पिक्चर्स आपको मिलेंगे, आज के जमाने के भी और पुराने जमाने के भी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है, मतलब अगर हम उस दृष्टि से बात करें कि आज सृष्टि में पांच चीजें जिनसे हम बने हैं, भाई जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, हम ये मानते हैं ना, इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, या खेती भी है या जो भी लिविंग चीज है, ये पांच चीजों के ऊपर चलती है, और किसी भी तत्व की महत्ता कम नहीं है। क्या आज हम वायु की महत्ता को कम कर सकते हैं? क्या हम दो मिनट भी बिना सांस के जी सकते हैं? आज जो हमारे पास मोबाइल फोन है वो आकाश और वायु उसी की वजह से काम कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। पृथ्वी, अगर पृथ्वी नहीं है तो हम पानी भी होगा तो पैदावार कहां करेंगे, अनाज कहां उगाएंगे? और सूर्य, अग्नि, भाई प्राचीन काल में पढ़ते हैं तो हमारे आदि मानव काल में हम कुछ भी खाते थे, लेकिन क्या आज हम बिना पका हुआ कच्चा खाना खा सकते हैं? तो ये पांचों तत्व की बहुत महत्ता है। धानुका चार दशकों से भी ज्यादा समय से किसानों का मजबूत सहयोगी बना हुआ है। इसने इन्हें अत्याधुनिक उत्पादों और नवीनतम सुविधाओं को उपलब्ध करवाते हुए ज्यादा सशक्त बनाया है। धानुका की मदद से किसान अच्छी और गुणवत्ता वाली फसल पैदा करने में सक्षम हुए हैं। धानुका किसानों के जीवन को समृद्ध बनाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है, और उनकी इंडिया का प्रणाम पहल किसानों के प्रयासों के प्रति उनके सम्मान को व्यक्त करती है। धानुका अपने सभी प्रयासों को हर एक किसान के सम्मान, गौरव और समृद्धि के लिए समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सलाम है उनके हौसलों को जो दिन रात एक करके किसानों की बेहतरी के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए जितने जरूरी हमारे जवान हैं, वैसे ही हमारी देश की उन्नति के लिए उतने ही जरूरी हमारे किसान हैं। नमस्कार।